हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। बउआ की वीडियो आ चुकी है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच में। बउआ यार हम हमेशा बनाते हैं, बेशक कोई भी जीते। हाँ भाई, तो मजा आने लगा है। बउआ क्या कहते हैं ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र। और अगर देखो आपको पेंडुलम की तरह झूलते हुए किसी को देखना है तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को देखो। पाकिस्तान में सभी को मूड स्विंग हो रखा है क्योंकि उनकी टीम ऐसा करवाती रहती है। हारने को वो जिम्बाब्वे से भी हार गए और जीतने की बारी आई तो अभी तक इस टूर्नामेंट में अजेय रही, साउथ अफ्रीका को भी पेल दिया। खैर, हम तो चाह ही रहे थे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को पेल दे क्योंकि अब ऐसा है कि जिम्बाब्वे को हराकर हम अपना ग्रुप टॉप कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी आज की जीत के साथ अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। अब उनको अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को हराना है और फिर उम्मीद करनी है कि या तो इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए या फिर नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार जाए। दोनों ही काफी टफ चांस है, लेकिन देखो इस वर्ल्ड कप में हमने क्या क्या नहीं देखा। एकदम धमाकेदार रहा है ये वर्ल्ड कप, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड कप का धमाका ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हो एक अमेजिंग सा वन प्लस का फोन। कैसे जीतेंगे ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं मजा आएगा। भैया, जब मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने शुरुआत तो अच्छी करी और टॉस जीत लिया, लेकिन इसके बाद कुछ भी उनके हक में नहीं। बारिश होने की आशंका वाले मौसम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग कौन बैल बुद्धि लेता है ब्रो? इसका जवाब है बाबर आजम। खैर, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग तो ले ली, लेकिन फिर करी नहीं। पाकिस्तान की पिछले वर्ल्ड कप में सक्सेस की रेसिपी ये थी कि उनके ओपनर बाबर और रिजवान चल रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अपोजिट हो गया है। बाबर और रिजवान का इस वर्ल्ड कप में जो एवरेज रहा है उससे ज्यादा तो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी हफ्ते भर में अंडे दे। पाकिस्तान की इनिंग का एक हाईलाइट था मोहम्मद आरिस, जो की रिप्लेसमेंट के रूप में आए और वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे। उन्होंने पहली 5 गेंदों में इतने जबरदस्त शॉट लगाए कि अश्विन ने उनको शाबाशी देते हुए एक ट्वीट कर दिया। हैरिस ने मात्र 11 गेंदें खेली, शानदार 28 रन बनाए। इस वर्ल्ड कप में इंटेंट दिखाने वाले वो पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इंटरनेट पर बाबर से पूछने लगे कि भाई इसको पहले कहां छुपा रखा है। खैर, पाकिस्तान ने 20 ओवर में अफ्रीका को 186 का बढ़िया टारगेट दिया, लेकिन इसके लिए उनको हैरिस के अलावा सिर्फ इफ्तिखार चाचू और मोहम्मद शादाब को शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी की पाकिस्तानी बल्लेबाजी को तो डस्टबिन में जाकर बैठ जाना चाहिए और बाकी का काम अगली सुबह नगर निगम की कूड़ा गाड़ी कर देगी। बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तानी प्लेयर भले ही कूड़ा हो लेकिन अपनी ओपिनियन एकदम अनमोल है भाई साहब। तो आप भी अपनी ओपिनियन का सही इस्तेमाल करो ट्रैगो ऐप पे और मस्त पैसे कमाओ। सिर्फ यस या नो में आपको सवाल का जवाब देना है और बहुत सारे सवाल हैं। जैसे क्रिकेट के बारे में बात करें तो कल ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने क्या जीतेगा? क्या डेविड वार्नर 50 स्कोर करेगा? मैंने तो यस बोला है और 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। आप चाहो तो बउआ के आंसर को कॉपी कर सकते हो, मैच देखते हुए लाइव क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, पैसे कमा सकते हो और पैसे कमाने के बाद यूपीआई से इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हो। बाकी वर्ल्ड कप धमाका ऑफर में वन प्लस का फोन जीतने का भी मौका है, तो जल्दी से ट्रैगो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया। 50 रुपए का वेलकम बोनस भी मिल जाएगा। वीडियो में आगे आते हैं। 180 के ऊपर का टारगेट इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी टीम चेज नहीं कर पाई। ऊपर से पाकिस्तान में जो मुश्किल टेस्ट था यानी उनकी बल्लेबाजी वर्सेस साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी, वो तो उसने पास कर लिया था। ऊपर से साउथ अफ्रीका की टीम में डेविड मिलर शामिल नहीं थे, यानी सारी ग्रह नक्षत्र पाकिस्तान के साथ थे। ऊपर से अफ्रीका वालों के लिए बुरी चीज ये हुई कि शाहीन अफरीदी इसी मैच में फॉर्म में वापस आ गए। अपने पहले 2 ओवर स्पेल में उन्होंने 2 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए। हालांकि इसके बाद कप्तान बबूमा ने एडम माक्रम के साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप करी और साउथ अफ्रीका को गेम में बनाए रखा। पिछले 1 महीने से पिच पर आया राम गया राम बने हुए बबूमा ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। इस वर्ल्ड कप में हैरिस रऊफ को छक्का मारने वाले वो कोहली के बाद दूसरे क्रिकेटर बने, लेकिन फिर बल्ले से कमाल करने वाले शादाब खान ने गेंदबाजी में 1 ओवर में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। बोल तो मैं कमर रहा हूं लेकिन क्या तोड़ी है आप समझ लो। इसके बाद आ गई बारिश। शादाब के ओवर में 2 झटके लगने की वजह से साउथ अफ्रीका डकवर्थ लुईस पार स्कोर से 15 रन पीछे था। बारिश के बाद मैच 14 ओवर का हो चुका था और साउथ अफ्रीका का रिवाइज टारगेट 141 था, लेकिन बारिश डकवर्थ लुईस और साउथ अफ्रीका का रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। पाकिस्तान ने अपना डोमिनेंस बारिश के बाद भी जारी रखा और बेहतरीन गेंदबाजी करके ये मैच 33 रन से जीता। इसी के साथ साथ अब अगर कोई और अपसेट नहीं होता है तो इंडिया ये ग्रुप टॉप कर जाए। आप भी जरा अपनी ओपिनियन को टॉप करके ट्रैगो पर कैश प्राइज जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन
में लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो, 50 रुपए का आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा, साथ ही साथ वन प्लस जीतने का मौका भी, और इस ऐप पर जाकर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में। यार मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, अगर वो बारिश ना होती ना तो हम ज्यादा रन से भी जीत जाते हैं। जिस तरह वो खेले यार, बहुत घटिया किस्म का खेले, सिर्फ रऊफ को पड़ी है यार, चार देखो आउट हो गए थे उनके 69 पे, चार आउट हो गए, टेंडो तेंदुआ भूमा भूमा जो भी है यार, वो आज कैसे, वो कोहली के बाद दूसरा बंदा जो रऊफ को छक्का मारा है उसने, वाकई में उसने मारा है छक्का जिस तरीके से यार, वो तेंदुए को हम हल्का ले रहे थे, तेंदुआ कहता है मैं आज चीता बनूंगा, वो यार सही बात है, वो उसको मैं देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है कि उसको किसने कैप्टन रखा, लेकिन आज साउथ अफ्रीकन ने भी छाती पे हाथ रखा होगा कि ये चला और हम हार गए। पता है पिछले मैच में मैंने तुम्हें बताया ना, इंडिया के खिलाफ उनकी कोच से लड़ाई हो गई थी कि कसम से मैंने छक्के नहीं मारे, लेकिन आज कोच को बताया तुमने मुझ पे शक किया, आज मैं जाकर बताकर आपको एक मजे की बात बताते हैं। आज क्या हुआ ना, आपको ये वाली बहुत प्यारी बात है, हमारे फादर हम अभी हमारे साथ मैच देखते है ना, जिस हमने कहा हमने बोला अबू प्लीज इसकी दुआ करें ये आउट ना हो, अबू कहता क्या मतलब, मैंने कहा ये ऐसी मारता है, ये जितने भी बाल गुम हो जाती है, ऐसा प्लेयर है कि इसने आज तक मैन ऑफ द मैच नहीं जीता, अबू कहते फिर क्यों डर रहे हो तुम, मैंने कहा ये नीचे ही मारता है, बैठे हुए बाल फेंकता है और चौके पे चौका ना, और अपना मैन ऑफ द मैच जो होता है दूसरे खिलाड़ी को दे देता है, लेकिन फिर अबू को हमने सचो बोला, अबू बोलते यार क्या तो बोलते, और वही फिर जिसको चला अबू कहता ये कैसा है, ये तो प्लेयर है, लेकिन अब क्या बताया, लेकिन मजा है यार सच बोले ना, क्या कमाल ना यार भाई सच, आज चल रही तेंदुआ भूमा है, और एक बार याद है आपने प्रेडिक्शन दी थी पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा, ये कभी ना ये वही चला है, प्रेडिक्शन आपकी सच हुई, और बढ़िया हरामी किस्म की आपकी आज की भाई, एक रिजवान की इस बंदे को ना छोड़ो, सुबह मैंने इतनी तारीफ की कि रिजवान जो है वो आज भाई ने बोला आज रिजवान का दिल है, रिजवान भाई आया और गया, देखो यार मैं फिर भी बोलता हूँ रिजवान का दिन था आज, वो बाल से गलती है, विक्टर को लग गया अगर ना लगती और रिजवान का दिन था, मैंने तो बोला था वो कैच आउट होगा, वो तो कैच आउट होगा, इस बंदे की प्रेडिक्शन तो मैंने इतनी ज्यादा गारंटी दी थी, नहीं यार अब देखो एक बंदा कभी वैसे प्रेडिक्शन तो नहीं, मैं तो अपनी तरह से राय देता हूँ ना यार, वैसे यार गलत भी हो सकता है, वैसे आज की खैर गलत होगी, 1% मैंने आपको फिर भी बोला था वो मैं छोड़ देता हूँ, 99% साथ चुती है, 1% कभी कभी गलत हो जाती है, तो उसको दिल पे ना लेना, इंडिया टॉप कर जाएगा इजिली, इसमें कोई शक नहीं, साउथ अफ्रीका सेकंड आएगा, मेरे लिहाज से नहीं डिजर्व, क्या टाइम आ गया यार पाकिस्तानियों का, अब पाकिस्तानी पता है क्या कर रहे होंगे, इंडिया हारे उधर से साउथ अफ्रीका, उधर से साउथ अफ्रीका हारे, क्या हालत आ गई है यार अब पाकिस्तानी के, यार देख यार क्या कर रहे हैं यार, अब आप अगले साल के लिए मेहनत करो, ये बिल्कुल बिल्कुल वही बात, आपका कहना गाइस अपने कमेंट सेक्शन में, इधर वीडियो खत्म होता है अपना, बहुत हो जाता है।